रुचि, आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपको अपने गार्डन की हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ, जो मैंने अपने गार्डन में वेजिटेबल लगा रखी हैं, मैं उसकी हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा पालक है, मैंने इसको कटिंग करके रख लिया है। ये देखिए, अच्छा खासा मेरा पालक हुआ है। देखिए, और मैं इसको तीसरी बार कट करके जल लेके जा रही हूँ, और मुझे लगता है अभी एक बार और हो सकता है। देखिए, मैंने इसको इसमें सारा कट कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ हार्वेस्टिंग में अभी क्या क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं अभी मुझे नीड नहीं है, लेकिन अभी ले जाने से फ़ायदा कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले जा रही। आप ये देखिए, मेरी मेथी भी कंप्लीट है, मैं इसको भी हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैं पालक ही यूज़ करूँगी, तो पालक ही ले जा रही हूँ। जब ताज़ा ताज़ा हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ताज़ा ताज़ा ही लेके जाऊँगी। देखिए, मैंने इसमें से सारा पालक हार्वेस्ट कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रिंजल है, काफ़ी बड़ा हो चुका है अब तो। ये देखिए, मैं इसको भी हार्वेस्ट करूँगी, लेकिन अभी नहीं करना चाहती मैं, कि अभी मन भी नहीं कर रहा, और प्लस आज पालक ही बनाना है। और देखिए, ये मेरी बाकला की फली पर भी फ्लावर आने लगा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पर भी देखिए फ्लावर आने लगा है। और मैं दिखाती हूँ आपको अपना धनिया, दिखाती हूँ धनिया, मुझे हार्वेस्ट नहीं करना, वो भी अभी आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ धनिया भी बहुत अच्छा हुआ है, खूब आराम से मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा खासा धनिया हुआ है, ये मैं इसको भी हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और मेरे तो किसी गमले में बहुत छोटे छोटे बथुआ भी आ गया है, छोटा छोटा बथुआ भी आ गया है, और वो तो ऐसे ही आ जाता है, मैंने उसका कुछ भी नहीं डाला, वो तो ऐसे ही उग जाता है। और इस तरह से मैंने कुछ सब्जियां अपनी लगा रखी हैं, हार्वेस्टिंग भी करती हूँ, और इसका फ्रेंड्स खाने का स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई भी तरह का केमिकल दवाइयाँ कोई भी इसमें यूज़ नहीं है, इसलिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ कुछ मिर्चें उगी हैं, दो चार मिर्चें तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन अभी दो तीन रह गई हैं, और फूल भी आ रहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इतना बड़ा मिर्च का पौधा है, और मैं आपको इसमें अपनी मिर्च दिखाती हूँ, फूल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस पर, लेकिन मिर्चें मैंने सारी हार्वेस्ट कर रखी थी। मैं आपको पहले फूल दिखाती हूँ इसका, ये देखिए और भी हैं, काफ़ी पेड़ ऊंचा हो चुका है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए फूल ये भी आ रहा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फूल हैं। देखिए एक फूल यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये है वाइट कलर का, मिर्च का जो फूल होता है वाइट कलर का होता है। अब मैं इसकी मिर्च दिखाती हूँ, सारी तोड़ ली, बस दो ही रहने दी हैं, एक ये है और भी एक है, दिखाती हूँ, पता नहीं, हरे हरे पत्तों में दिखती भी कम है। देखिए ये फूल भी आ रहा है, और ये देखिए मिर्च भी, अभी बहुत छोटी है इसलिए मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं की हुई है, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, यही कहना चाहती हूँ कि अपने गार्डन की जो वेजिटेबल होती हैं उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, और कम जगह में भी लग सकता है। मैंने बीन्स की फली की भी बीज बोया है, उसमें भी हल्का सा ग्रो हुआ है, वो भी आपको दिखा दूँ, शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी ग्रो किया हुआ है, और एक इधर भी है, ये भी ग्रो किया हुआ है, और अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
आप भी देखिए मटर का है, अभी एक भी मटर नहीं आई है। देखिए अभी तो इसकी सेवा की ज़रूरत है, अभी तो हमें इसको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, तब जाके कहीं इस पर फ्रूट्स आएगा। तो इनको भी हमें अपने बच्चों की तरह, जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसकी तरह ही करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आता है तो वाकई में मन बहुत खुश होता है, हार्वेस्टिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे गार्डन की वेजिटेबल है। आप भी अपने गार्डन में इस तरह से वेजिटेबल लगा सकते हैं, कम जगह में, गमलों में, क्यारी में, और कोई थर्माकोल का हो या फिर कोई ट्रे हो, उसमें भी मैं आराम से उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाय फ्रेंड्स।